मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। ट्रेन में भूख से रोने लगा बच्चा, मां ने रेल मंत्री को किया ट्वीट, 23 मिनट के बाद पहुंचा दूध। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर कानपुर से रवाना हुई एक महिला अपने 8 महीने के बच्चे के साथ, जिनका नाम अंजलि तिवारी बताया जा रहा है, और ये जो है वो अपने परिवार के पास सुल्तानपुर जा रही थी और ट्रेन में सफर कर रही थी। इसी बीच में इनके पास एक 8 महीने का बच्चा और इनका एक और बच्चा था। इसी बीच में इनका जो 8 महीने का बच्चा है उसको एक्चुअली में भूख लगने लग गई, और जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोने लग गया, और इस दौरान ही अंजलि तिवारी ने जो है अपने पूरे परिवार से इसके बारे में जानकारी मांगी, और उसने बोला कि उसका बच्चा जो है वो काफी ज्यादा रो रहा है, और रेल मंत्री को ट्वीट करने से पहले उन्होंने पहले अपने परिवार वालों से फोन पे बात की, और उसके बाद फोन पे बात करने के बाद जो है वो काफी ज्यादा एक्चुअली में प्रॉब्लम में आ गए थे, क्योंकि उनका छोटा सा बच्चा जो है दूध से काफी ज्यादा, उसको भूख से काफी ज्यादा वो बिलप रहा था और काफी ज्यादा वो रो रहा था, जिसके कारण उन्होंने जो है रेल मंत्री को ट्वीट किया और ट्वीट करके अपनी पूरी जानकारी दी कि वो इस ट्रेन में सफर कर रही है, सुल्तानपुर जा रही है, उनके पास एक 8 महीने का बच्चा है जिसको पिलाने के लिए उनके पास इस वक्त दूध नहीं है, उसको दूध की इस वक्त काफी ज्यादा आवश्यकता है, कैसे ना कैसे करके रेल विभाग जो है उनकी मदद जरूर करे। जिसके बाद अगले ही स्टेशन पे जो है उनको मदद मिल गई, और वहां के जो उच्च अधिकारी हैं वो गर्मा गर्म दूध लेके जो है बच्चे के लिए वहां पर खड़े थे, और उसी दौरान ही उनके जो जिस डिब्बे में वो बैठी थी वहां पर जाके उन्होंने बच्चे को दूध सौंपा, जिसके बाद जो है वहां के उच्च अधिकारियों ने अंजलि तिवारी से भी फोन पे बात की, और उसी दौरान ही अंजलि तिवारी ने उनको कोटि कोटि धन्यवाद किया, और रेल मंत्री को भी दोबारा से ट्वीट करके इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। जिसके बाद जो है लोग रेलवे के इतने जल्द से जल्द एक्शन लेने पे काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि आप लोग भी ट्रेन में सफर जरूर करते होंगे, अगर आप लोगों को ट्विटर हैंडल चलाना आता है या ट्वीट करना आता है या अपनी समस्याएं बतानी आती हैं, तो अगर आपको ट्रेन में जाते हुए कोई ऐसी समस्याएं आपके सामने आ रही है तो रेल मंत्री को टैग करके अपनी समस्या जरूर बताइए, ट्वीट जरूर कीजिए। और मैंने सुना है और आप लोगों को भी काफी बार बताया है कि रेल मंत्री और रेल विभाग के लोग जो है उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करते हैं। जैसे कि इस महिला के बच्चे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो रोने लग गया, 8 महीने का बच्चा, और उनके लिए दूध उपलब्ध करवाया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, और इसके बाद हर कोई रेल विभाग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।